2017 का आधा साल बीत चुका है और बॉक्स ऑफिस पर काफी सारी फिल्में अपना इम्तिहान दे चुकी हैं। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं, तो कुछ फिल्मों का हाल काफी बुरा रहा। ये तो हर कोई जानता है कि इन फिल्मों को इतना बड़ा बनाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ होता है वो है फिल्म के हीरो। हाल ही में 2017 के फर्स्ट हाफ में किन एक्ट्रेस का बोलबाला रहा, उसके लिए वोटिंग हुई है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में 2017 के वो टॉप एक्टर्स दिखाएंगे जिन्होंने फर्स्ट हाफ में अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीता है, और ये भी बताएंगे किस एक्टर को मिले हैं बेस्ट एक्टर के लिए सबसे ज्यादा वोट्स। वरुण धवन। बॉलीवुड के बद्री यानी वरुण धवन को लोगों ने साल इतना प्यार दिया है कि वो पांचवें स्थान पर आ गए हैं। अरे भाई, बद्रीनाथ की दुल्हनियां लोगों को इतनी पसंद आई कि इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा भी बड़ी आसानी से पार कर लिया था। इस फिल्म में वरुण के साथ आलिया भट्ट भी नजर आई थी। दोनों की जोड़ी इतनी भाई कि लोगों ने वरुण को 2017 के फर्स्ट हाफ में बेस्ट एक्टर के लिए 0.63% वोट्स दिए हैं। बता दें कि नए स्टार्स में वरुण ही हैं जिसने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार का नाम इस लिस्ट में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बता दें कि लिस्ट में अक्षय चौथे पायदान पर रहे। अक्षय की इस साल आई जॉली LLB 2 तो आपको याद ही होगी, ये फिल्म जॉली LLB का सीक्वल है। भले ही लोगों को फिल्म का पहला पार्ट ज्यादा पसंद आया हो, लेकिन जॉली LLB 2 में अक्षय की एक्टिंग हर किसी को पसंद आई है। इस फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 117.24 करोड़ का कारोबार किया था। बता दें कि अक्षय को 2017 के फर्स्ट हाफ में बेस्ट एक्टर के लिए 2.78% वोट्स मिले हैं। सलमान खान। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान इस साल ईद पर ट्यूबलाइट लेकर आए थे, लेकिन लोगों को सलमान की इस बार की ईदी कुछ खास पसंद नहीं आई। फिल्म ने रिंग रिंग के 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, लेकिन फिल्म में सलमान की एक्टिंग सबको भाई। यही वजह है कि सलमान को 2017 के फर्स्ट हाफ में बेस्ट एक्टर के लिए 3.35% वोट्स मिले हैं। कहना गलत नहीं होगा कि भाईजान की पॉपुलैरिटी इतनी है कि ट्यूबलाइट के फ्लॉप होने के बाद भी सलमान इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। शाहरुख खान। साल की शुरुआत में शाहरुख की रहीसाई इस फिल्म का मुकाबला ऋतिक की काबिल से हुआ था। दोनों ही फिल्में अपनी अपनी जगह ठीक ही थी। किंग खान की रहीस ने बॉक्स ऑफिस पर ओवरऑल 304 करोड़ का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, फिल्म में लोगों को शाहरुख की एक्टिंग भी काफी पसंद आई थी। यही वजह है कि शाहरुख को 2017 के फर्स्ट हाफ में बेस्ट एक्टर के लिए 43.96% वोट मिले हैं। इसी के साथ शाहरुख इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आए हैं। ऋतिक रोशन। अब बात उसकी जिसने फर्स्ट हाफ में लोगों का सबसे ज्यादा दिल जीता, वो कोई और नहीं बल्कि ऋतिक रोशन है। इस साल आई काबिल में ऋतिक की फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक ब्लाइंड लड़के के किरदार में ऋतिक पूरे फिट बैठे और सभी का दिल जीत लिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 176.7 करोड़ का बिजनेस किया था। बता दें कि ऋतिक को फर्स्ट टाइम में बेस्ट एक्टर के लिए 47.88% वोट्स मिले हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इन वोट्स के आधार पर ऋतिक को लोगों ने फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा पसंद किया है। बता दें कि ये सिर्फ फर्स्ट हाफ को देखते हुए बताया गया है, अभी आधा साल और बाकी है जिसमें सलमान की टाइगर जिंदा है, शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल, वरुण की जुड़वा और अक्षय की टॉयलेट एक प्रेम कथा भी आने वाली है। यानी बेस्ट एक्टर की जंग अभी भी बाकी है, तो अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि वो कौन होगा जो बनेगा साल 2017 का बेस्ट एक्टर। NMF न्यूज की रिपोर्ट।